कबीरधाम जिले के कोकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में मृत ग्रामीणों के प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ शासन ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन पीड़ित परिवारजनों के साथ पूरी तरह खड़ा है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और इस हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। सहायता और बीमा आदि से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त है। 18-19 लोगों की मृत्यु हुई है, महिलाएं सर्वाधिक हैं उसमें, और बहुत ही बड़ा दुख है। मेरा एक ही गांव में सारे लोग हैं, बहुत बड़ा दुख है। उसमें तेंदुपत्ता के लिए हर साल आते थे, इस साल भी आए थे। दुर्घटना है, तो वो अभी थोड़ी देर में जो भी सहयोग परिवार को करना है वो स्पष्ट करेंगे ही। मतलब आर्थिक सहयोग बड़ी बात नहीं है, तो कई मैंने अपने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, संग्राहक परिवार की अपनी अलग योजनाएं है। अगर संग्राहक परिवार का मुखिया होता है तो उसको 4 लाख मिल जाता है, और अगर 50 साल से नीचे का है तो, और 50 साल से ऊपर का मुखिया है तो 75,000 मिलता है। सदस्य हैं तो उसके कुछ और राशि है। ये सब छोड़ करके भी सरकार की तरफ से सहयोग तो होगा। सर, गाड़ी बहुत कंडम स्थिति में थी, फिटनेस भी नहीं था इसलिए। हाँ, ये मसला देखिए होता ये है कि गांव में भी जितनी अपनी गाड़ियां हैं और सुलभ होने के कारण और सस्ता होने के कारण उपयोग करते हैं, लेकिन ये है कि फिटनेस पर थोड़ी अब जोर देने की आवश्यकता है, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा गांव वालों से भी विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि इन बातों पर जरूर ध्यान दें और गाड़ी के फिटनेस आदि का पूरा चेक कर दें।